हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अब हम जा रहे पलवल, और देखो मैं मतलब आज एक इवेंट पे जा रहा हूँ, तो देखो मैंने ये हेयर स्टाइल कराया था कल, और मैं पहुँच गया हूँ धतीर। और आज तो इतनी ठंड लग रही है क्योंकि मैंने कल हेयर कट करा लिया था, और मैं आज सुबह ठंडे ठंडे पानी से नहा के आया हूँ। मतलब मेरे को इतनी तेज़ ठंड लग रही है, बस मेरे को ही पता है। थोड़ी देर में हम अपनी लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। और तो देखो भाई, यहाँ पे तो भेड़ जा रहे हैं। देखो आपने कभी भेड़ देखो, देख लो। आज तो पहुंच चुके हैं अब हम अपने प्रोग्राम में, तो चलते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, और आज हैप्पी न्यू ईयर भी है, तो इन्होंने हैप्पी न्यू ईयर भी लगा रखा है। और यहाँ पे थोड़े थोड़े करके आओ भाई। मतलब देखो, आपको पंकज पलवलिया और भी मतलब बहुत सारे एक्टर दिख रहे हो, तो ये भी आएंगे। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है भाई, जिनका नाम है सोशल मीडिया पर सांड। एक बार जोरदार ताली हो जाए तेरी, एक बार जोरदार ताली। अभी तो एक ही सांड आया, कितने सांड आएंगे देखना। हाँ देखिए, ये आप सबके गांव का सौभाग्य है जो भाई आपको यहाँ पे अशोक चौटाला जी देख रहे होंगे भाई, ये सामने जो बैठे हैं अशोक चौटाला जी हैं। और देवी जी, आइए आज यारी में, दोस्ती में भरोसा दे करके, और बाबूजी जब फिर कैसे दगा हो, तो आइए मानवी भारद्वाज जी उसी यारी दोस्ती के ऊपर एक बेहतरीन सी रागनी लेकर के आपके बीच में कह रही है। राहुल जी, तोड़ करने की थोड़ी चिंता मत करो, बचत में चारो प्यार चाहिए, ठीक है। आइए भाई सरदार पंडका जी सबने इस रागनी के माध्यम से यारी दोस्ती में कैसे कैसे धोखे दगा मिलते हैं, और क्या बता दिए भाई जगपाल। हेलो, और आइएगा आज उस शेरे जंग मैदान वीर शहीद के उपलक्ष में हमारे सभी आज के नौजवान यूथ, उनके उपलक्ष में कार्यक्रम रखा गया है, और सभी देख रहे हैं हमारे नौजवान बड़े बुजुर्ग सभी, धीरे धीरे संख्या बढ़ने पर ही है। एक बार जो जो उस शेर बंपर शेर को मानता है, एक बार उसके लिए तो हाथों की तालियां बजाकर उसको श्रद्धांजलि जरूर देगा। बोलिए भारत माता की जय। और आइएगा, जैसा कि हवाला बताया मेहमान, और आइएगा यहां पर जितने भी आए मेरे अतिथिगण, साउंड मास्टर जी लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन जी, हमारे बड़े बुजुर्ग हम उम्र साथी, प्यारे छोटे बच्चे, और जहां तक मेरी आवाज सुन रही है मेरी घरों में बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, बहनें, झांसी की रानियां, सभी को मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम में नमस्कार करती हूँ। तब राम राम ले लो पीढ़ी में, फेंक दो, ध्यान दो ताऊ जी, जब छोरी तेरा ध्यान किधर है, ताऊ की तो नजर इधर ही है ना, ताऊ का ध्यान रागनी की तरफ है ना ताऊ, बिल्कुल। ताऊ जी, जब तुम्हारा टाइम था तब भाईचारा आपसदारी बहुत बढ़िया थी, कोई किसी के साथ मजाक भी कर लेता था, कोई बुरा नहीं मानता था, कोई मानता था जी आपके टाइम में। और आज के टाइम में कोई किसी तक तू कह दे ना, सीधी गोली चल रहा है आजकल, भाईचारे वाली बात नहीं रह रही। और लेकिन मैं तो बहुत अच्छा मान रही हूँ कि हमारी जो सम्मान इस यूथ ने रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैं एक चीज समझाना चाहती हूँ, कभी ने बताया कि आने वाले कलयुग में कैसे लोग हो जाएंगे, कैसा समाज हो जाएगा, और समाज के ठेकेदार ये भाईचारा कैसा हो जाएगा। सुनेगा एक बात के माध्यम से, बाकी का हवाला रागनी में कवि ने क्या तोड़ किया आएगा मास्टर जी।
प्यारी का कलयुग नहीं, इसको मतलब ही जरूर बोल सकते हैं। आज की डेट में इंसान किस चीज के पीछे पागल हो रहा है, किस चीज के पीछे पागल हो रहा है? किसी ने सच कहा है कि बाप ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो कहा कि बाप ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, कि पैसा इतनी बेकार चीज हो गई है कि आदमी ज्यादा कमा ले तो परेशान और कम कमा ले तो परेशान। बड़ी झंझट है ये पैसे वाली बात। और ये पैसा ऐसी चीज होगी, भाई भाई को मरवा देता है, बहन भाई को मरवा देती है, दोस्त दोस्त को दगा देता है। और आएगा दूसरी बात में, कभी ने क्या बताया जो ये अगली लाइन है, ये हमारे सभी YouTube जो बाहर से सभी हमारे अतिथि भाई आ रहे हैं, जो सभी यूट्यूबर भाई आ रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा आप अगली लाइन पर ना बैठ करके पिछली लाइन पर बैठे। और जो भाई इधर उधर खड़े हैं, जो टीन में खड़े हैं, आप आकर के बैठ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़ी सी व्यवस्था सी बढ़ जाएगी और भाई पांडाल भी थोड़ा सा भरा। यहाँ पहुंच रही है जो भाई पंकज पलवलिया जी, हाँ, जिन्होंने हमारे पलवल क्षेत्र का बहुत दूर दूर तक नाम कर रखा है, भाई पंकज पलवलिया जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा वो कृपया अपनी सीट पर पहुंचे, अपनी सीट ग्रहण करें। लोग आपके दर्शन के लिए ललायत ठहर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप पहुंचे सीट पर अपनी पर। और उन्हीं के साथ साथ हमारे छोटे भाई जो आज आप सभी को अपना योगदान देने के लिए इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए पहुंचे हैं, भाई तोताराम सोंदिया जी। हाँ भाई तोताराम सोंदिया भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा भाई पंकज जी से और तोता जी से कि वो कृपया आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। और सभी जितने भी हमारे श्रोतागण यहाँ पहुंचे हैं, सभी को अपना दर्शन दे। मैं निवेदन करूंगा सभी कलाकारों से भाई, हाँ उन्हें और भी बहुत यूट्यूबर कलाकार यहाँ पहुंच रहे हैं। हाँ देखो भाई गिरधर जी, भाई मन्नू जी, भाई कमल जाबिया जी, अशोक चौटाला जी, चीता बैरागी जी, हक्कू सिमारिया और जो सांड जी हमारे बीच में बैठे ही है। हाँ जो एक ही हुसट में गुट मुट कर देंगे समझ में, आज आ जाइए ना सब कोई भी आइए। हाँ खड़े हो जाओ जी, खल्ला और दिखा दो दर्शन दर्द जोरदार ताली हो जाए भाई सांड जी के लिए। हाँ भाई टेंट वाले भैया आवाज सुन ले, नहीं तो सांड बैठो तो भी एक ही गुट मुट करवा दूंगा एक ही हुसट में। हाँ आ जाओ जल्दी से जल्दी आ जाओ भाई टेंट वाले भैया, मेरी आवाज सुन ले आइए। मान विभागियों में सुनने में बहुत कम मजा आता है ना। एक बार अशोक जी आप आते, सभी आपके दर्शन के लिए बड़े बेताब हो रहे हैं, मैं भी हो रही हूँ। एक बार माइक दो अशोक जी, है ना छोरा मल्लुक सा। हेलो हेलो, हाँ छोरा मल्लुक का भी तो दूध के दांत भी नहीं होते हैं। अशोक जी मैं ये कह रही थी कि जो आज का हमारे यूथ है, आज की जो हमारी नौजवान पीढ़ी है जी। आजकल वो पता है क्या सुनते हैं, इनको एक रोग लगा हुआ है। बताओ कौन सा रोग है? और जब इनके दिल टूट जाते हैं तो ये कौन से गीत गाते हैं बता दो। आए हाय बतेरे तो दो तीन लिए बैठे हैं जो पारा ने टूटा। हाँ और आएगा तीसरी बात भी बताया कभी ने कि अगर यारी दोस्ती करनी है तो उस कृष्ण और सुदामा जैसी करो। और क्या लिखा हाँ?
कैमरा वैमरा सेट करके भाई लग रहे हैं भाई यहाँ पे गांव मानपुर में पहुंचने पर बहुत और चौथी गली में कवि ने बिल्कुल तोड़ कर दिया रागनी का, बता दिया कि भाईचारा किस प्रकार निभाना चाहिए और जिस थाली में खाना चाहिए कभी उसमें छेद नहीं करना चाहिए। और आएगा लास्ट वाक में क्या बता दिया हाँ? आइए आज के इस कार्यक्रम को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई हर्ष मुंगम सोंदिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आज के इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान हो जाए हर्ष मुंगम जी के लिए जो आज के इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप सब लाइव देख सकते हैं। और उनकी तरफ से 100 रुपए देकर के मान सम्मान किया जाता है, उन्हें एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सब की तरफ से जोरदार ताली। हमारे बीच में मेरे छोटे भाई तोताराम सोंदिया जी पहुंचे हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके सम्मान हो जाए जोरदार ताली। क्योंकि देखिए कोई कलाकार हो या कोई नेता हो या कोई अभिनेता हो या कोई खिलाड़ी हो, वो सबसे पहले अपने क्षेत्र से होता है, अपने इलाके से होता है और तब जाकर के उसका इलाका साथ देता है तो वो इंटरनेशनल बन जाता है। तो तमाम आज यहाँ सभी यूट्यूबर और तमाम कलाकार यहाँ पहुंच रहे हैं, आज मानो एक जैसे कुंभ का मेला लग रहा हो, इस तरीके का मेला लगने वाला है यहाँ पे। तो आइए इसी कड़ी में कड़ी को जोड़ते तो हैं आप सभी को गुदगुदाने के लिए और इस नए साल में और भी चार चांद लगाने के लिए जो सागर में गागर भरने का काम करेंगे आदरणीय बड़े भाई अशोक चौटाला जी, एक पे जोरदार ताली हो जाए जोरदार ताली। आइए सुनते हैं एक सुंदर सा चुटकला। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आदरणीय सभी सरदारी नौजवान साथी भाई माता पहले और बच्चे भगवान के पोते घर में पहुंचे जरूर होते साहब, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी का पर्व है, बहुत अच्छी। अब तो बहुत ही मन लग रहा है जी, कुछ सब दिनों कही जा रहे हैं हमको तो बहुत दिल खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छी रेडियो टीवी पार्टी आपके बीच में, रेडियो टीवी कलाकार सभी
हुए सभी कलाकार आ रहे भाई यूट्यूबर सब के लाइक करें सब्सक्राइब बढ़ाए और उन्हें आशीर्वाद दे। हंसता खेलता परिवार घर बैठे ही देखता रहे सब और लाइक कर देख रहे साहब सब इनको बहुत बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे बात बहुत अच्छे हंसाते हैं बहुत बढ़िया बताते और सर हम भी कुछ बीच में सताते हैं आपको। ये बड़ी खुशी की बात है आज भूले बैठे सब आजाद है लेकिन याद बहुत अच्छी बात है आज याद आ गई और तो हमारे पंकज बलवलिया हर और आगे और ये हमारी सारी टीम आ गई अपने हमारे बीच में मेरे बहुत ही अच्छे और बहुत ही अजीज और बहुत ही लाडले जिन्होंने इस पलवल क्षेत्र को ऊंचाई तक पहुंचाने में जो योगदान दिया है भाई पंकज बलवलिया एक बार जोरदार ताली हो जाए जो पूरी टीम के साथ यहां पहुंचे हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उन्हीं के साथ साथ जो के लिए मजबूर कर देती हैं जो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है श्वेता इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए जोरदार ताली जो श्वेता जी हमारे बीच में पहुंची हैं भाई पंकज जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं भाई तोताराम जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और भाई साउंड पहले तो ही बैठ रही है और अशोक चौटाला जी अब आपके बीच में हैं। मैं चाहूंगा देखिए जो भी कोई कलाकार हमारे गांव में पहुंचता है ये लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी दर्शन नहीं देते ये तो सौभाग्य की बात है। धन्यवाद है भाई देवेंद्र रावत जी का और देवी सरपंच जी का और तमाम सभी उनकी पूरी टीम का जिन्होंने आज यहाँ एक महाकुंभ का मेला लगा रहा है। मैं चाहूंगा इस रावत पाल के सभी नौजवानों के लिए भी जोरदार ताली हो जाए और सभी कलाकारों के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। आइए अब आपको थोड़ी देर के लिए गुदगुदाते हैं भाई अशोक चौटाला जी आए। साहब सारी बात बता दी आपके बीच में रूप जनता बैठी है आप और बहुत बढ़िया भाई देविंदर रावत जी ने याद दिवाई आपकी याद आई और हमारी भी याद आई तो सारा परिवार इकट्ठा कर दिया और परिवार वो पूरे देश विदेश में नाम और विदेशी से लड़े और आजादी में हम बैठे हैं और आपके बीच में आशीर्वाद दे रहे हैं सदा बाहर रहेंगे हमेशा भगवान के रूप ही आजाद भगत सिंह जी हत कर दिया आपने कैसे कैसे संघर्ष है और अब तो हम घर बैठे ही संघर्ष निपटे हमारे लेकिन आपस में ऐसा ही प्यार बनाए रखो नई साल मुबारक हो हंसता खेलता परिवार दिखाई दे सब कलाकार के दर्शन हो काम अच्छा चलता रहे नई साल में भगवान हमारी मोरा पे लगा दे परिवार खुश रहे आपको आज इतनी खुशी है और युवा संगठन है युवा बूथ है क्या बात है नई उमंग नई तरह की नई नई छोरा पिकोक मोरा आपकी सेवा में अली छोरा कहो कहीं मोने कहीं के युवा आ रहा हूँ जा रहा हूँ लेकिन ऐसे ऐसे बहुत ही अच्छे सेवार्थ सेवा भाई भाई सेवा करने वाले देविंदर उनके साथी भाई को सभी को पार्टी की तरफ से प्यार भरी राम राम साहब। अब एक चुटेला को चाचा कहा लड़की लड़का में कोई अंतर नहीं है लड़की एक नंबर फालतू जा रही है पढ़ाई लिखाई में पर लड़का एक नंबर कमा रहे हैं पर बराबर है साहब फिर भी लड़का डॉक्टर मास्टर इंस्पेक्टर पर लड़का लड़की भी डॉक्टर मास्टर इंस्पेक्टर हेलो भैया टक्कर बराबर है लड़की लड़का में कोई अंतर नहीं है। अब गड़बड़ एक हो रही है जो आजकल की नई छोरी है वो एक दूसरे देख कर ना नई नई चीजें नीत रही कोई बीड़ी कोई हुक्का कोई सिगरेट ये प्रॉब्लम है दारू पी रही है ये बहुत बुरी बीमारी दारू भी छोड़ो दारू बहुत पिए थे हमने साहब अपने ऊपर चुटकला आए और इसमें सारी बात बताइए कुछ ऐसे ये दारू बहुत बुरी बीमारी है। अब वो लड़की तंदुरुस्त हस्पुष्ट लड़की लड़का में कोई अंतर नहीं अब छोरी को दादा कह रहा हूँ छोरी तंदुरुस्त है हस्पुष्ट है दौड़ में भी फर्स्ट है पढ़ाई अब कोई लड़का बता कोई लड़की बिहार के जो हो रही है लेकिन लड़का एक तो है मेरे जगह में लेकिन एक ही लड़का है फलोले गांव में लेकिन जी वो कैसे 15-20 किला रहे एक ही लड़का है 15-20 किला है तो राजा समझो साहब
एक ही लड़का है, पर वह लड़का के पीछे पूरा स्कूल के जितने स्टूडेंट थे सारे पीछे लग रहे, कोई बीड़ी भर के दे रहा, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी, कोई हुक्का, कोई दारू, सब कंप्लीट। कुछ और 20 किलो वाला तो पूरा पड़े होगा, कहीं बीड़ी तई जीरो बीड़ी क्या खौसी करे खुर्रा करे, अब भी नंबर है तो हम कहा करें, तय बीड़ी और तय बीड़ी बोली जब निकले, जब बीड़ी पी ले बीड़ी पीता है ऐसा हो रहा हमारा पूरा पड़े हो। वो छोरा ने छोरा के दादा ने कही रहा रिश्ता वाले आ रहे हैं, मिलते क्या हिसाब था आगे बैठ कर रम करे, अब वो बैठक ऐसी कुछ उठाव लेकर छोरी वाले वो भीतर बैठे बैठक में, अब वो छोरा तो कही जगह आगे को मरता जाओ खड़े मत हो, वो पाव धरता लिया ली पहले बीड़ी लगाई बैलेंस बनायो बोली जब लिख रहे जब बीड़ी लगा ले बीड़ी लगाई भीतर धुआं ने छोड़ रहा छोड़ का धुआं ने पाव धरता लिया खांसी उठी खांसी में आवाज और रिवाज क्या लैपटॉप रहे। अब वो छोरी को दादा कह रहा जो का जी छोरा तो आयो, तो छोरा का दादा कह रहा जो का बाल तो आयो छोरा, हमने तो देख लिया पर डॉक्टर को और दिखा ले वो और प्रॉब्लम पर बेइज्जती होगी। वे बोले कि युगा छोरा जब पूरी सिरदारी आई है उठाव लेकर आई है छोरी का रिश्ता कर ले आई है युवा कर लो यही गो मैं रिश्ता उल्ले मोहल्ले में ना तो पल्ले मोहल्ले में रिश्ता यही गो मैं कर लो नहीं बेइज्जती हो जाएगी। अब वो लड़की कोई पल्ले मोहल्ले में ऐसा स्टूडेंट देखो गोल्डन छोरा बहुत अच्छा छोरा उल्ट मोटरसाइकिल पर ऑफिस को कहूँ सब तरह रम रम करे सब गए तो वह पल्ले मोहल्ले में गए तो वह छोरा ने जाता बाबा रम रम नमस्ते रम रम बाबा रम रम भैया रम रम वहाँ पे एक प्रॉब्लम ही मैं छोरा में बहुत ही अच्छा गोल्डन मोटर था जो बहुत हसपुष्ट उल्ट मोटरसाइकिल मैच कर रही मोटरसाइकिल भी पर वहाँ में एक प्रॉब्लम चश्मो ले ना उतारे वहाँ का काली चश्मा बहुत अच्छी लगी काली चश्मा लगा रखी ऑफिस को जावर उल्टी आ गई बाबा हर खड़े हो गए बाबा कह रहा लुगा लुगा भिगा बाबा राम राम लुग राम राम तो है चश्मा न उतार के दिखा दे लेकिन नहीं बाबा लेट हो रहे ऑफिस को चश्मा नहीं उतारेंगे बाबा की मानी नहीं बाबा ने जोरी छोरी साफ सुथते छोरी साफ सुथते हमारी कहीं ऐसा नो छोरा देखे तेरे मोई तक है मेरे मोई हो कुछ अब पहम की दवा है साहब कहीं वो पहम होगा बाबा का पहम होगा छोरा कहीं ऐसा ना हो ताका तेरे मोई देखे मेरे मोई जब चुप लगा गया लगा जी छोरा वाड़ा कर लगो उल्टा लगा जी लगा जी छोरा पर्सन ले लुक पर्सन ले लुक छोरा पर्सन ले तो फिर लेन देन की बात कर लो अब लेन देन की बात हो रही जब एक कह रहा हूँ लुका लेन देन कहा छोरा की औखंड बनवा देंगे छोरी धन दे तेर घी दे देंगे और कहा जब रिश्ता पक्को पर रिश्ता पक्को एकदम सबसे बड़ा धर्म है रिश्ता सबके होने चाहिए बीड़ी हुक्का सिगरेट नो नई साल मुबारक बहुत फिर मिलेंगे आपकी सेवा में आइए बस जोरदार ताली हो जाए आप सबकी तरफ से जोरदार ताली क्योंकि हाँ जी आइए अब इसी कड़ी में अभी सभी कलाकार पहुंच रहे हैं एक रागनी आपके बीच में जो मुझे बार बार फरमाइश हो रही है और हम सभी वीर दादा कान्हा के वंशज यहां बैठे हैं हमारे यूट्यूबर भाई मिलने लग रहे भाई फोटोशूट कराने लग रहे हैं और फोटो शूट करा रहे सब हमारी YouTube टीम आ चुकी है तो हमारे भैया पंकज और भाई हमारे बैठे हुए हैं और यूट्यूबर सारे हाँ भाई व्लॉगिंग कर रहा हूँ हाय बढ़िया आप क्या आए हो मैं भी आया था स्वागत है भाई ताली बजा दिया करो आप सब आ चुके ये हमारे क्षेत्र की प्रतिभा है जिन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे क्षेत्र में कर रखी है उन्हीं के साथ साथ
उनकी तरफ से 551 हमारे सिंगर भैया भी आ चुके हैं लोहिया भाई, एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे ड्राइवर साहब के लिए। तो भाई रुक तो जाता ना, मोगे देख रहा हूं मैं, कोई औंधा थोड़ी ना हूं। तो भाई ओला वाले भी अविनाश भैया भी आ चुके हैं, अविनाश भैया भी आ चुके हैं, मन्नू पारी भाई भी आ चुके हैं। हमारे क्षेत्र के बहुत ही उभरते हुए सितारे जिन्होंने हमारे क्षेत्र का दूर दूर तक नाम रोशन कर रखा है, भाई मन्नू पहाड़ी जी हमारे बीच पहुंचे, एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान हो जाए, जोरदार ताली। उन्हीं के साथ साथ भाई अविनाश, जी हाँ भाई अविनाश गुजर सैलाटी, वो भी हमारे, अरे भैया भी मिल चुके हैं हमको। अरे भैया हेलो कर दो, हेलो कोंडल से एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई अंकुर तेवतिया जी के लिए, जोरदार ताली। जो अभी हमारे बीच में पहुंचे हैं इनका बार बार धन्यवाद है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए अशोक चौटाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक चौटाला जी आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे भाई, ये देशभक्ति प्रोग्राम है, हम तो चौटाला मसाले के कुछ सवाल जवाब के कहना चाह रहे, आप सवाल जवाब कर रहे हो तो हम तुरंत पर्चे दे, लेकिन क्या करें, प्यार इतना कुछ कह नहीं सकते, आपके बिना रह नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मौसम है, सुहाना भजन और भोजन और आजादी के गीत गा रहे हैं, बहुत बढ़िया। याद आ रही है कैसे कैसे कुर्बानी, कैसे कैसे दादा है, कैसे कैसे बाप है, वो बाबा दादा के ऊपर एक बात है जी, आज हमारे देश में अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज जब बाबा के बहुत मजाक करे, अब हमारे बाबा दादा बाबा हो रही है, ऐसा डर लगे हमें तो कहता रही, लेकिन बाबा हर की बात ही कुछ अलग ही, बाबा हर कभी दबे नहीं अंग्रेजन से। अब सड्डे पे गड़बड़ हो रही साहब, बाबा जा रहा ससुराल, अब राज दयाबाद पे बाबा ससुराल जा रहा, हमारे में तो यही पहरा बनाओ साहब, तुरादार पगड़ी कुर्ता जवाहर कट और धोती, अब अंग्रेज बस अड्डे पे खड़े, बस अड्डे पे आके अंग्रेज मजाक करने लगे, व्हाट इज दिस, अंग्रेज आए लोग ओल्ड मैन, कहा बात है कैसे है, मैं ससुराल जा रहा हूँ, व्हाट इज दिस ओल्ड मैन, कहा बात है, व्हाट इज दिस, पगड़ी है पगड़ी, व्हाट इज दिस, जानते हैं ना जानते हैं, व्हाट इज दिस पगड़ी, व्हाट इज दिस जवाहर कट, व्हाट इज दिस कुर्ता, व्हाट इज दिस धोती, तो पागल थे ना, पर एक बाबा परेशान कर दिया था बाबा जैसे एकदम चलाता हूँ पीछे था हूँ, तो एक नंबर का, तो एक नंबर बाबा का मैं धोती के फेंटा पकड़ के एक नंबर भाई, व्हाट इज दिस बाबा का उस फेंटा से पकड़ लिया, बाबा का रह चुका है तेरे सारे हो ही देख रहा हूँ, व्हाट इज दिस बाबा के छोड़ छूट गए लंबा ठाड़ा अंग्रेज और कोट पैंट में टाई वाई और बन रही पटाई है पकड़ के लटक को बाबा चुका हो ही देख रहा हूँ, तू भी बता दे व्हाट इज दिस उल्टाई फैसली लड़ो घुटको सर लुका रहा हूँ व्हाट इज दिस अब कहते हो खोले मन लगो और जितनी जोरदार ताली बजा के फिर और खोल देंगे यार, फिर तो ताई इंसानियत पहचानो, इतना ही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय राम। कलाकारों का यहाँ महाकुंभ लग गया है आज गांव में, सभी को मैं नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को काम बस्ती की तरफ से। दूसरा यहाँ जो भी मोहना से वो भी हमारे बीच में पहुंचे, उनके स्वागत है, और मेरे बहुत ही अजीज लाडले भाई राहुल जी, जी हाँ योगी राहुल जी परवल से, वो भी हमारे बीच पहुंचे भाई, इनके लिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान हो जाए। और भाई गलती से कोई भाई रह भी रहा हो और कोई किसी तरीके की बात को महसूस कर रहा हो तो मुझे बता दे, मैं माफी चाहता हूँ। सभी का स्वागत है और सभी का सम्मान है। अभी कुछ ही चंद मिनटों में हमारे बीच में
जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं यादवेंद्र सिंह संधू जी, जो पौत्र शहीद भगत सिंह जी के, जो आप सभी के बीच में कुछ ही चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं, मैं उनका भी यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। जो आप सब नौजवान भाई खड़े हैं, बेटा आप आ जाओ तो यार भैया हाथ जोड़ सकूं आपके।